अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही यमी और स्पाइसी रेसिपी। सबसे पहले हम ये मैं बता देती हूँ आपको कि हम यूज़ करेंगे टिक्का मैक्रोनी बेक पार्ले की, और इसमें क्योंकि क्वांटिटी कम होती है तो मैं साथ थोड़ी सी ना स्पेगेटी भी यूज़ करूँगी। इसमें टेस्ट मेकर इन्होंने दिया होता है तो हमें कोई ज़्यादा मसाले वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये मैक्रोनीज़ हैं, इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, तो ये फ़्लेवर इनका सबसे अच्छा है। उसके अलावा मुझे कोई ख़ास नहीं लगा इतना फ्लेवर। ये मैं स्पेगेटी थोड़ी सी ऐड करूँगी, साथ ये चिकन है, ये शिमला मिर्च है, बंद गोभी, और स्पाइसेस मैं दिखा देती हूँ। ये मैं सूखा धनिया क्रश करके रखा हुआ है वो डालूँगी, ये लहसुन पाउडर है और ज़ीरा, ये है मिक्स्ड हर्ब्स। ये डालना ज़रूरी नहीं है, अगर ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। ये है ओरिगानो। ये दो चीज़ें अगर आप ना भी ऐड करें तो इतना कोई इशू नहीं है, मुझे इनका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं यूज़ करती हूँ। चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले थोड़ा सा कढ़ाई में ऑयल डालकर हमने एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर उसको चॉप किया था मैंने, और वो ऐड करेंगे। इसको हल्की आँच पर आपने ना इसको ट्रांसलूसेंट सा कर लेना है। हल्की आंच पे आपने रख के इसको चमचा चलाते रहना साथ साथ थोड़ी थोड़ी देर के बाद, ताकि चिपके ना प्याज कढ़ाई के नीचे। ये देखें, थोड़े थोड़े ट्रांसलूसेंट होना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून सूखा धनिया जो क्रश करके रखा हुआ था मैंने, और 1/2 टीस्पून जीरे की। अब मैं इसको 1-2 मिनट तक भूनूँगी सही से। एक दो मिनट तक ज़ीरे और सूखे धनियों को भूनने के बाद अब मैं ऐड करूँगी लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर भी 1/2 टीस्पून कर लें, 1 टीस्पून ऐड कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। अब इसको भी आपने अच्छे से भूनना है, लेकिन मेक श्योर ये आप चमचा चलाते जाएँ, वरना लहसुन पाउडर की वजह से बहुत चिपक जाता है प्याज हांडी पर। लहसुन पाउडर भूनने के बाद मैं 1 कप पानी ऐड कर लूँगी। पानी ऐड करने के फौरन बाद मैंने चिकन ऐड कर देना है और इसको मैं ढक दूंगी, और फ्लेम जो है पहले लो था, अब मैं मीडियम पे करके इसको ढक दूंगी। 5 से 6 मिनट इसको अच्छे से पकाना है। अब 5 से 6 मिनट पकाने के बाद चिकन अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी। मुझे गाजर पसंद है, आप गाजर भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको पसंद है। अगर आपको मटर पसंद है आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं सिर्फ गाजर और बंद को भी ऐड कर रही हूं क्योंकि मुझे बस वही पसंद है। चलें जी, अब मैं इसको मिक्स करके इसके अंदर मैं मसाला ऐड कर दूंगी जो उसका अपना टेस्ट मेकर था बेक पार्ले की मैक्रोनीज़ का। ये टिक्का फ्लेवर है, टिक्का मैक्रोनी, ये सबसे बेस्ट है इनका। बाकी फ्लेवर्स मुझे, मैंने सब ट्राई किए हैं, इतनी कोई ख़ास टेस्ट नहीं है। 7 स्पाइसेस है वो भी ठीक है, बस इसके अलावा कोई अच्छे फ्लेवर्स नहीं है। मैं इसको मिक्स करके इसमें मिक्स्ड हर्ब्स ये बिल्कुल ज़रा सी ऐड करनी है, ये बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करती, इसका ये बहुत तेज़ फ्लेवर आ जाता है इसका, इसको बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है। इसी के साथ मैं थोड़ा सा ओरिगानो भी ऐड करूँगी। ओरिगानो भी आपने बहुत थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना। अब मैं इसको 3 से 4 मिनट अच्छे से पकाऊँगी। मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। अब मैं 3-4 मिनट पकाने के बाद टोमेटो पेस्ट ऐड करूँगी, ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई है क्यूब्स, इसकी बहुत आसानी हो जाती है इस तरह। ढक के मैंने रख दिया था इसको ताकि टोमेटो पेस्ट जो फ्रीज़ हुई हुई है वो पूरी मेल्ट हो जाए। अब 5 मिनट पकाने के बाद जब ये सारी टोमेटो पेस्ट मेल्ट हो गई, मैं इसको थोड़ा सा भून लूँगी, मसाले को थोड़ा सा भून लूँगी मीडियम आँच पर। हाँ जी, तो अब आता है हमारा लास्ट स्टेप।
अब हमने क्या करना है कि मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लोर लेकर ज़रा से पानी में मैंने मिक्स कर लिया था, और मैंने इसको सारा नहीं ऐड किया, सारा एकदम से ऐड नहीं करना वरना बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा पेस्ट। थोड़ा सा ऐड करना है जितनी ज़रूरत है। मैंने बिल्कुल ज़रा सा ऐड करके उसको पहले मैंने भून लिया था थोड़ा सा, और उतना ही काफ़ी हुआ था, मैंने मज़ीद ऐड नहीं किया। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद आपने 2-3 मिनट बस इसको भूनना है, ज़रा सा ऑयल निकल आए तो आपने इसमें मैक्रोनीज ऐड कर लेनी है। मैं इसको अब ज़रा सा भून रही हूँ। हाँ जी, तो अब हम मैक्रोनीज ऐड करेंगे। मैंने मैक्रोनीज के साथ, जैसे कि आपको बताया था, कि थोड़ी सी स्पेगेटीज भी ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे क्वांटिटी में थोड़ी कम लगनी थी मैक्रोनीज, तो मैंने वो भी ऐड कर दी थी। आप चाहें तो आप ना ऐड करें, आप सेम क्वांटिटी के साथ सब कुछ डालकर आप बना सकते हैं मैक्रोनीज। अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके वापस आता हूँ। हाँ जी, तो मैक्रोनीज हो गई हैं मिक्स। अब हमने क्या करना है, बिल्कुल लो फ्लेम करके इसको 2-3 मिनट के लिए ढक के रख देना है और फिर फ्लेम ऑफ कर देना है। ये हमारे पास स्पाइसी मैक्रोनीज रेडी हो गई हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिव्यू ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देती हूँ, आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं और इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।